सोलन के कोटला नाला चौक के समीप स्थित एक दुकान का काउंटर टूटा पड़ा था और उसके समीप एक बाइक खड़ा पाया गया। इस बाइक का हैंडल बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। दुकान संचालक महिला ने बताया कि जब वह सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए आई तो उन्होंने अपना काउंटर टूटा हुआ पाया। उन्होंने शक जताया कि जो बाइक दुकान के बाहर खड़ा है उसकी वजह से उनका काउंटर टूटा है, इसलिए वे चाहती हैं कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। गौरतलब है कि जो बाइक बाहर खड़ा था उसका हैंडल टूटा हुआ था और उस पर खून के निशान भी थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि घटना स्थल पर दुर्घटना हुई और इसी दुर्घटना की वजह से ये काउंटर टूटा है। दुकान चलाने वाली महिला ने कहा कि जब वे सुबह दुकान खोलने के लिए आई तो उन्होंने पाया कि उनका काउंटर टूटा पड़ा है और वहीं पास में एक दुर्घटनाग्रस्त बाइक खड़ा है। उन्होंने अंदेशा जताया कि बाइक की वजह से ही उनका काउंटर टूटा है, जिसकी वजह से वे आज दुकान भी नहीं चला पा रही हैं और उन्हें नुकसान भी बेहद हुआ है। उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस पहुंची थी लेकिन अभी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। फिलहाल वे इसकी लिखित शिकायत पुलिस थाना में करने जा रही हैं। उनकी मांग है कि जिस भी व्यक्ति ने उनका नुकसान किया है वे उसे पूरा करे। सर, हम जब आए ना सुबह, हमने शॉप खोली और यहाँ पे ना सारा काउंटर टूटा पड़ा है और एक बाइक खड़ी हुई है। बाइक का भी हैंडल वगैरह मुड़ा हुआ है, उसी बाइक वाले ने सारा तोड़ दिया। अब हम काम करने से भी बैठे हैं, हमारा तो काम भी बंद पड़ा है सारा इसी कारण। अब वो बाइक वाला अभी तक तो आया नहीं है। तो क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि बाइक वाले से हमें पूरा खर्चा मिले, हमारा काउंटर तोड़ के गया है। आपको पता है आजकल वैसे भी कितना मुश्किल चल रहा है, काम काज इतना है नहीं, हम थोड़ी ना बनवाएंगे, वही बनवा के देगा हमको। सर अभी हम करेंगे, सुबह बोला था वो पुलिस वाले आए थे पर उन्होंने तो हमें कोई अभी रिप्लाई नहीं दिया। अब हम कंप्लेंट करेंगे इसमें थाने में जाके। सर काम तो प्रभावित है, सुबह से काम ही नहीं हो रहा, सारा तो काउंटर टूटा हुआ है, हम कहाँ पे बनाएंगे? पूरा काउंटर चूरा चूरा हुआ पड़ा है, आप इसकी पिक भी खींच सकते हैं कि कितना बुरा हाल किया हुआ है।